दारू के अंदर एल्कोहल होता है, एल्कोहल की मात्रा जाने के बाद में अपने दिमाग का जो नस है उसको हैंग करती है। हैंग करने के बाद में जो है बर्ड से बाइडे की तरह हो जाता है, और केवल और फीडिंग मिल गई तो फीड को खाता ही रहेगा और पानी मिल गया तो पानी को पीता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इससे पानी का इंटेक भी बढ़ता है दोस्तों, और दूसरा साथ साथ में फीड इंटेक भी बढ़ता है ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। दोस्तों आज 28 दिन का बर्ड्स है और अपन शाम के टाइम की मेडिसिन लगा रहे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैं जो है अभी गुड़ और दारू लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार लगाना है उसको वो मैं आपको डोज बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी परमानेंटली वाली भट्टी है दोस्तों। ये हमारा गैस का सिलेंडर लगा हुआ है और इसमें हम गुड़ गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको दिखा सकते हैं गुड़ जो है हमने 3 किलो की मात्रा ली है और ये गर्म हो रहा है, देखिए खाने वाला गुड़ है दोस्तों। वो आपने पहले वीडियो में देखा था, मैंने जो एलोवेरा में मिलाया था तो गुड़ वही वाला है दोस्तों। तो इसको मिला लिया है हमने, इसमें गर्म कर रहे हैं और अब अपना मैं जो है आपको दारू दिखाने वाला हूँ, बढ़िया और बेस्ट कैटेगरी का, ठीक है ना दोस्तों। वो इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको जो है पर ड्रिंक का डोज देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको अपने बर्ड्स दिखा देता हूँ, और बाहर से फार्म का व्यू दिखाता हूँ और अंदर से भी फार्म का व्यू दिखाता हूँ। प्लीज दोस्तों आप चलिए। तो दोस्तों ये अपना छोटा वाला शेड है, इसमें लेकर आ गया हूँ। बीच में हाइलोजन मैंने जला दी है और वो पर्दा है जो अभी इसको डाउन करेंगे अपन, क्योंकि अभी इसको खोल रखा है। तो ये अपने बर्ड्स हैं देखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी हमने जो है इन बर्तनों को अच्छे से धो दिया है दोस्तों। बता दूं इन ड्रिंकरों को जो है हम शाम सुबह डेली धोते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बढ़िया चीज़ ये है। अब इसी ड्रिंकर की देखिए साइज इतनी नीचे हो है, इसकी साइजिंग अपन ऊपर करेंगे बर्ड्स की, देन नीचे होके बर्ड्स पानी पी रहा है, ये गलत है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि उस बड़े वाले शेड में तो हमने कर दी है आज लेवल, इसकी लेवल हम ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी अपन कर देंगे, और ये अपने बर्ड्स देखिए अभी फीडिंग कर रहे हैं, और ये देखिए ये कंडीशन है अभी। अभी हमको जो है ठंड का खतरा खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि ठंड भी एक्चुअल में क्लाइमेट अच्छा हो गया। दूसरा दोस्तों क्या है कि बर्ड्स जो है शेन करने लग गया है ठंड को, देखिए इनका बॉडी वेट इतना हो गया है, तो इस हिसाब से बर्ड्स क्या है इसको सहन कर लेता है ठंड को, तो आराम से खुला खुला बैठा है देखिए। और जब बर्ड्स अपने 20-22 दिन तक थे दोस्तों, क्या कंडीशन थी, बर्ड्स कैसे बैठ रहा था, कैसे एक्टिविटी कर रहा था, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा थी ना दोस्तों कि बर्ड्स जो है बहुत परेशानी में थे। इसमें हम लाए थे तो फर्स्ट दिन हमने ये देखिए मटकी और लगाई है, एक ये पड़ी है अभी बाहर नहीं निकाली दोस्तों, इसको कल बाहर निकालेंगे, अभी काम ज़्यादा है, ठीक है ना। एक ये पड़ी, एक वो पड़ी, एक वो, चार मटकियाँ लगाई है दोस्तों हमने, और दो तीन ये राड़े भी चलाई थी। अब राड़े फाड़े सब टेम्परेचर का काम खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी जो है हम केवल और केवल ये फार्म का पर्दा जो है डाउन कर देते हैं इस प्रकार, और अंदर का ये जैसे ये पर्दा लगाया हुआ उसी प्रकार इस इधर भी पर्दा लगाते हैं। बड़े वाले शेड के अंदर अंदर वाले पर्दे लगाने बंद कर दिए दोस्तों, केवल और केवल, क्योंकि वो फार्म बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है ना। उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है क्योंकि ये फार्म जो है ठंडा है, इसके अंदर बर्ड्स को अपन ने लेट छोड़ा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब धीरे 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 जैसे ही बर्ड्स और इसके अंदर बॉडी वेट गेन करेगा, उसके बाद में जो है अपन इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करना, केवल और केवल पर्दे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा मैनेजमेंट का हिसाब किताब, और दोस्तों अपन जो है मेडिसिन अदरवाइज कोई नहीं चलाएंगे, केवल और केवल ग्रोथ के लिए चलाएंगे अभी जो मेडिसिन। अभी दोस्तों अपन दारू और गुड़ जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्या है कि बर्ड्स के अंदर साउंड नहीं आए, सबसे मेन चीज़। देखिए कई बार क्या होता है कि साउंड आने के बाद अपन ये मेडिसिन लगाते हैं, लेकिन अभी क्यों लगा रहे हैं कि बर्ड्स के फ्रिक्वेंसी के तौर पे लगा रहे हैं ताकि बर्ड्स में साउंड आए नहीं। बर्ड्स अच्छा फीड उठाता है, दारू का काम मैं बता दूँ आपको दोस्तों, इससे फीड अच्छा उठाएगा बर्ड्स और बर्ड्स के अंदर साउंड नहीं आएगा, और ठीक है ना दोस्तों, और ठंड भी कम महसूस करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं जो है 5 लीटर दारू लेकर आया हुआ हूँ, 5 लीटर में से मैंने 2 लीटर तो इनको पिला दी अभी तक, ठीक है ना, और बाकी अभी पड़ी है तो इस बैच में मैं पूरी ख़त्म ही कर दूंगा उसको, ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट क्लास है, वो लगाने के बाद ही दोस्तों अपने बर्ड्स के अंदर एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है और फीडिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड से रनिंग पकड़ी है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों कि दारू के अंदर एल्कोहल होता है, एल्कोहल की मात्रा जाने के बाद में अपने दिमाग का जो नस है उसको हैंग करती है। हैंग करने के बाद में जो है बर्ड से बाइडे की तरह हो जाता है, और केवल और फीडिंग मिल गई तो फीड को खाता ही रहेगा और पानी मिल गया तो पानी को पीता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इससे पानी का इंटेक भी बढ़ता है दोस्तों, और दूसरा साथ साथ में फीड इंटेक भी बढ़ता है। ये दो बेनिफिट इसके मैं एक साथ बताएं आपको, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको बड़े वाले शेड में लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये अपना बड़ा वाला शेड है और अपने बर्ड्स देखिए इस प्रकार बैठे हैं, अभी पर्दा खुला है और आराम से बैठे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अभी कितना है 71.1, ठीक है दोस्तों, ये अपने टेम्परेचर लगा रखा है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों,
5:30 बजे का, ठीक है ना। और ये आपको टेम्परेचर दिखाता था, 71.1 टेम्परेचर है, मतलब फर्स्ट क्लास। तो बर्ड्स जो है अच्छी एक्टिविटी कर रहा है और फीड भी जो है अच्छे से उठा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसके अंदर जो है अभी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन इसके केवल और केवल बॉडी वेट पे फोकस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसको रहने दे बेटा, नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो अब जो है हम आपको मेडिसिन दिखा दे दोस्तों, क्योंकि आपका भी ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे हम, और कैसे हम जो दवाई मिलाते हैं वो आपको बताते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये गुड़ हमने गर्म कर लिया है, और गुड़ को हम जो है अब इसके अंदर बाल्टी के अंदर लेंगे। चल बेटा डाल बाल्टी के अंदर। तो अपन जो है गुड्स को बाल्टी के अंदर खाली कर रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार गुड़ बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाता है। गर्म करने से क्या, बर्ड्स को थोड़ा गर्म पानी भी लग जाएगा और गुड़ जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब इसके अंदर मिलाएंगे अपन अल्कोहल। तो दोस्तों अल्कोहल जो है हमने ये लीफ 52 की बोतल है 5 लीटर की, इसमें भर रखा है। और ये जो है हमारा देसी दारू है दोस्तों, इसको जो है हमने 2 साल पहले ही बना के रख लिया था, तो वो अभी तक चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जितना पुराना होता है उतना अच्छा काम करता है। ये देखिए ये हाथ वाला दारू है दोस्तों, ठीक है ना। हम केवल और केवल मुर्गों को पिलाने के लिए ही ये यूज़ में लेते हैं, बाकी अदरवाइज किसी भी वुमेन के काम का नहीं है ये, ठीक है ना दोस्तों। केवल मेडिसिन के तौर पे है। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसके अंदर मिला लिया है, एक मग्गा हम और मिलाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर 1 लीटर पूरा मिलाएंगे, क्योंकि दोनों शेड में हमको मिलाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्या है कि हम प्रिकॉशन के तौर पे रखते हैं इसको, और इसको काम में लेते हैं इतनी मेडिसिन को, ठीक है ना। ये हमारे नोकल में नहीं मिलती है, इसको काफ़ी समय से हमने होल्ड कर रखा है। तो ये मेडिसिन आपके पास नहीं अवेलेबल होगी, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर आर्मी का रम लगाएं, अगर आर्मी का रम नहीं है तो आप ठेके का रम लगाएं, लेकिन इसके अंदर रम ज़्यादा काम करेगा। तो बता दूं आपको, अपन मेडिसिन भी लेके आते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर भी 10-20 ग्राम जो है अल्कोहल की मात्रा आती है। तो अपन इसको प्योर अल्कोहल दे रहे हैं आज, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंदर जो है अपन को बर्ड्स अच्छा वाटर इंटेक बढ़ेगा, मैं बता दूं दोस्तों मैं। तो दोस्तों हम जो है 1000 लीटर पानी की टंकी भरते हैं अभी तक, जो सुबह तक बिल्कुल खाली हो जाती है। तो मतलब दिन में 1000 लीटर, 1000 लीटर शाम को, तो 2000 लीटर पानी अपने बर्ड्स अभी पी रहे हैं, तो अच्छा पी रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर अपन ने गुड़ मिला करके अल्कोहल मिलाया, खुशबू आ रही है, अच्छी अच्छी पीने का मन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए प्योर रम मिल गया, बन गया रम, ऐसा ही कलर होता है रम का। तो ये रम ने बना दिया है, और अपने बर्ड्स को आज पार्टी देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज बर्ड्स भी जो है सेलिब्रेट करेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो जो है हम बड़े वाले शेड में मिलाएंगे दोस्तों, और ये हम जो है छोटे वाले शेड में, इसमें 3000 बर्ड्स पियेंगे और इसके अंदर 1000 बर्ड्स। तो दोस्तों हम जो है फार्म के अंदर आ गए हैं मेडिसिन लेकर के, और अभी जो है अपना ये लोंडा मिलाएगा दोस्तों दवाई, ठीक है ना। तो चल बेटा इसको पानी को भर पूरी इसको, और इसके अंदर जो है आधा आधा मगा सबके अंदर सप्लाई कर दे, ठीक है दोस्तों। तो अपन बाल्टी को भर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मेडिसिन वाला प्रोसेस दोस्तों, और अब जो है हम दवाई मिला लेते हैं। दवाई किस तरह मिलानी है, ड्रिंकर डोज, वो तो मैंने आपको बता ही दिए। तो आप जो है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।